नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे मैचिंग सूट सलवार की कटिंग। जब भी हम मैचिंग सूट सलवार की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम कमीज की कटिंग करेंगे। ये है हमारा कमीज का कपड़ा, ये है हमारा सलवार का कपड़ा। सलवार के कपड़े को पहले हम अलग रख लेते हैं। पहले करेंगे हम कमीज की कटिंग। ये है हमारा कमीज, नीचे इस पे ये पट्टी दी हुई है, सलवार के कपड़े का बॉर्डर है। बाकी इसमें ये छोटे छोटे मिरर हैं आर्टिफिशियल। बीच में इसमें जोड़ नहीं है। लगातार ये कपड़ा दिया हुआ है। पहले हम इस पट्टी को हटा लेंगे, क्योंकि इसमें ये जो नीचे लगी हुई है पट्टी, ये सफाई से नहीं लगी हुई है, इसे हम दोबारा लगाएंगे। तो पहले हम इस पट्टी को हटा लेंगे। इसे सिलाई करते हुए कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर हम लगाएंगे। इसे हम साइड में रख लेते हैं। कपड़े को इस तरह से हम चौड़ाई में ही पहले फोल्ड कर लेते हैं। इसका नाप हम साथ के साथ आपको बताएंगे। पहले जितनी हमारी घेर की चौड़ाई है उस हिसाब से हम कपड़े को अलग निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो ये प्रिंट है आगे का ऊपर की तरफ है और जो पीछे का है बैक वाला ये हमारा नीचे की तरफ है। तो पहले इसे अलग करके हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। घेर की हमारी चौड़ाई है 22 इंच। डेढ़ इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा, 12.5 25 इंच कपड़ा हम अलग निकाल लेंगे। ऊपर नीचे से हमारा कपड़ा सेम है या नहीं ये हम देख लेते हैं। साइड वाले कपड़े को हम हटा लेते हैं, पहले इसको अलग रख लेते हैं। ये हमने कमीज के दोनों हिस्से अलग निकाल लिए हैं।
इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। नीचे अगर जो थोड़ी बहुत भी हमारी कान है तो उसे हम निकाल लेंगे। कपड़े में जो थोड़ी बहुत भी कान है ये हमें निकालनी बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़े में थोड़ी सी भी कान है तो हमारा कमीज टेढ़ा जाएगा ही जाएगा। इस तरह से पहले ही हमने कपड़े को एक सार कर लिया है नीचे से। पहले मैं एक हिस्से को निकालूंगी, बाद में हम दूसरे हिस्से को निकालेंगे। ढाई इंच कपड़ा हम पहले नीचे फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। अब नापते हैं हम कमीज की लेंथ। कमीज की तैयार लेंथ रखनी है हमें 38 इंच। 38 इंच हमें तैयार करनी है। 38.5 इंच हम निशान लेंगे। सात इंच का हम तीरा लेंगे। साढ़े सात इंच का मुंह डालेंगे। साढ़े सात इंच पर हम फिटिंग का निशान लेंगे। पहले यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से एक हिप का निशान जो 14 इंच पर है वहाँ पर इसी तरह से एक सीधी लाइन यहाँ ले लेंगे। इस तरीके से पहले हम निशान ले लेंगे। अब हमारी जितनी चेस्ट तैयार है, चाहे हम राउंड में नापें या हम इसका हाफ लेके नापें, तो जितना हमारा है, अगर हम राउंड में नापेंगे तो होगी हमारी 38 इंच, अगर हम इसका हाफ लेंगे तो हमारी 19 इंच है। 19 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है, अब हम लगाएंगे कमर का तैयार निशान। कमर का तैयार निशान है 17 इंच। ईफ है हमारी 21 इंच। इस तरह से पहले हम निशान ले लेंगे। अब चेस्ट के निशान को कमर के निशान से मिलाएंगे हल्की हल्की गोलाई देते हुए, और कमर के निशान को हिप के निशान से मिलाएंगे इस तरह से। अब जितना हमें तैयार घेर रखना है, घेर रखना हमें 22 इंच। इस तरह से हम कमीज के निशान लगा लेंगे। अब करनी है हमने मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम 1.5 इंच। हाफ इंच करेंगे हम तीरे की कटाई, इस तरह से तिरछी। ये हमारे फ्रंट हिस्से के तैयार निशान लग गए हैं। इसी तरह 0.25 इंच पर हम लगा लेते हैं आर्म होल की गोलाई का निशान। इस तरह से पहले हमने ये निशान लगा लिया है, कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले जो हमने ये निशान लगाए हैं
वहीं से हम फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से पहले निकाल लिया हमने फ्रंट हिस्सा। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करके रखेंगे, इसमें कोई भी जाल या झोल या कान वगैरह नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। जो हमने फ्रंट हिस्सा काटा था, बैक हिस्से के ऊपर इसको रख लेंगे। जो हमने ये कटिंग की है, सेम हम इसकी कटिंग ऐसे ही करेंगे। सिर्फ हमने इसमें ध्यान क्या रखना है, बैक वाला हिस्से का तीरा 1 इंच हम बड़ा काटते हैं फ्रंट वाले हिस्से से। ये बड़ा हम क्यों काटते हैं? बड़ा हम इसलिए काटते हैं क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट वाला गला है, ये हमारा पीछे की तरफ ना जाए। इस तरह से हम ऊपर निशान लगा लेंगे। तीरे को तिरछा इतना ही रखेंगे जितना हमने फ्रंट हिस्से को रखा है। ये होगी हमारी बैक हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग फ्रंट हिस्से की। इस तरह से ये होगी हमारे आर्म होल की कटिंग। फ्रंट गले की सेटिंग के लिए छोटा सा कट हम लगाएंगे, बीच में एक सेंटर पॉइंट देंगे। अब करेंगे हम बैक वाले गले की कटिंग। गला रखना है हमें 4.5 इंच तैयार, 2.5 इंच हमें गले की चौड़ाई रखनी है। ढाई इंच हमारे गले की चौड़ाई नॉर्मल है। इस तरह से ये होगी हमारी बैक वाले गले की कटिंग। ये तो थी हमारी कमीज की कटिंग। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा। डेढ़ इंच कपड़ा हम फोल्ड करने का छोड़ लेते हैं और यहाँ से नापते हैं हम बाजू की तैयार लंबाई। बाजू की तैयार लंबाई रखनी है हमें 17 इंच। 17.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हम मार्जिन इसलिए लेते हैं, जो हमारा सिलाई में जाता है वो हम पहले ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम दोनों बाजू का कपड़ा अलग निकाल लेते हैं। अब हम इसकी बीच से कटिंग कर लेते हैं।
बाजू के कपड़े को अलग अलग करके इस तरह से हम रखेंगे। ये जो हमारी टहनियों का प्रिंट बना हुआ है, ये दोनों का प्रिंट हमें सेम करना है। ऊपर की तरफ हमारा ऊपर वाला है और नीचे का भी हमारा ऊपर की तरफ ही है। बाजू की लंबाई हमने पहले ही नाप ली थी। अब निकालना है हमें मुड्डा। मुड्डा हमें तैयार लेना है 9 इंच, 1/2 इंच हमें, 1/2 इंच या 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेते हैं, तो 3.5 इंच कपड़े की ज़रूरत हमें पड़ेगी मानने के लिए। आगे से हमें मोरी तैयार रखनी है 4.5 इंच। यहाँ तक हमें माननी डालनी है। साथ के साथ निकालेंगे हम मानने के लिए कपड़ा। इस तरह से हम कपड़े को रख लेते हैं। जितना हमारे पास कपड़ा है, ये हमारा चौड़ा है। अगर कम कपड़ा है तो जितना हमारी हमें मानने की ज़रूरत है उतना कपड़ा भी हम रख सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है हमें मानने निकालने का तरीका देखने की। ये हमने तैयार मोरी का निशान लगा लिया है। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच का हमने निशान यहाँ पर लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए 10 इंच पर हम मुड्ढे का निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है और ये जो हमने 10 इंच का मुड्ढे का निशान लगाया है, इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे तिरछा। और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा रफ निशान है जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये हमारा तैयार निशान है। ये इस तरह से है हमारा तैयार निशान। 3 इंच करते हैं मुड्ढे की गोलाई पौनी बाजू की और 3.5 इंच करते हैं हम 1/2 बाजू की। ये जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है बाहर की तरफ, यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। साथ की साथ हमारी मानने की कटिंग भी हो जाएगी। इस तरह से ये होगी हमारी बाजू की कटिंग। जिस तरह से हमने ये 2 मानी निकाली हैं, इसी तरह से हम 2 मानी और निकालेंगे, क्योंकि हमें 4 मानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी 4 तय हैं।
इस तरह से हम मानी को रखेंगे। ये जो हमने रेब निकाली है, रेब से हम इसकी बाजू की रेब निकालेंगे। इस तरह से हम माननी को रख लेंगे। ये ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया, ये हमारा किसी और में यूज हो जाएगा। जैसे हमें पोचे की पट्टी में कोई डिजाइन निकालना है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ये निकल गई हमारी चारों मानियां। चारों मानियां निकलने के साथ हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट होती है। इस तरह से ये होगी हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट। अब करेंगे हम सलवार की कटिंग। ये है हमारा सलवार का कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े को नाप लेते हैं, कपड़ा कितना है। ये हमारा कपड़ा डबल है, ये हमारा ढाई मीटर से ज़्यादा है। इसमें हम हैवी सलवार भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल सलवार भी निकाल सकते हैं। कपड़े को इस तरह से हम कहानी की तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कहानी को हम अपनी तरफ रखेंगे और ये जो बंद हिस्सा है इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। सलवार की तैयार लेंथ है 35 इंच। 4.5 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे कपड़ा, चाहे हम इसे माइनस करके नापें या ऊपर छोड़ के नापें। जितनी हमारी तैयार लंबाई है वो, ये हमारा सबसे आसान तरीका है। ऊपर हमें जितनी बेल्ट तैयार रखनी है उतना छोड़ के और हम इसकी सलवार की लेंथ नापते हैं। सलवार की लेंथ है मतलब 35 इंच हमें तैयार रखनी है। 35.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम कपड़े को अलग निकाल लेंगे। 6 इंच रखेंगे हम गोड्डे की चौड़ाई। गोड्डे की चौड़ाई 6 इंच हमारी नॉर्मल है। ये देखिए 6 इंच का हमारा गोड्डा नॉर्मल है, इसे हम निकाल लेंगे। बाकी आप अपनी मर्जी से 6.5 इंच का, 7 इंच का, 5 इंच का जितना चाहे रख सकते हो। बाकी कपड़े पे भी डिपेंड करता है। हमारे पास कपड़ा फुल है, कपड़े की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने ये गोड्डे निकाल लिए हैं। 6.5 इंच की मतलब इसकी चौड़ाई निकाली है, 6 इंच के हमारे ये तैयार रह जाएंगे। अब निकालेंगे हम बेल्ट। जो हमारा गोड्डे की साइड से कपड़ा बचेगा उसे हम बेल्ट निकालेंगे। जब हम ऊपर 4.5 इंच कपड़ा छोड़ते हैं तो हम 6.5 इंच की बेल्ट निकालते हैं। अगर हमें नेफा चौड़ा मोड़ना है तो हम 7 इंच की निकाल सकते हैं। तो मैं 7 इंच की बेल्ट निकालूंगी। ये देखिए हमारी बेल्ट की चौड़ाई 7 इंच है। इस तरीके से अगर हम सलवार निकालते हैं तो इससे हमारे गोड्डे और बेल्ट आसानी से निकल आते हैं। ये हमारा परफेक्ट तरीका है गोड्डे और बेल्ट निकालने का। अब हमें बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है। बेल्ट की चौड़ाई रखनी है हमें 23 इंच तैयार। तो ये 24 इंच
हम बेल्ट निकाल लेते हैं, हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ये हमने बीच में से कट करके इसके दो हिस्से कर लिए हैं। ये हमारी बेल्ट तैयार है। ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसे हम बाजू की पट्टी पर यूज करेंगे। डेढ़ डेढ़ इंच की पट्टी हम बाजू पर लगाएंगे, क्योंकि ये पट्टी हमारी कमीज के नीचे लगी हुई है, तो इसी तरह से पट्टी हम बाजू पर लगाएंगे। अब ये कपड़ा है हमारा कलियों के लिए। इस कपड़े को खोल के हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। अगर हमारा कपड़े में थोड़ा सा भी टेढ़ापन है तो हमें पहले उसे निकाल लेना चाहिए, जिससे हमारी कटिंग अच्छी बैठे। थोड़ी सी भी अगर ऊपर नीचे हुई तो हमारी फिटिंग में कमी आ सकती है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा एक सार हो ऊपर नीचे से, कपड़े में बिल्कुल भी कान नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम कपड़े को सीधा करके रख लेंगे। अब जिस तरह से हमने गोड्डे की लंबाई नापी थी, ऊपर 4.5 इंच छोड़ के ये हमने 4.5 इंच माइनस किया। यहाँ इंची टेप 4.5 इंच के निशान पर यहाँ से नापना हमने शुरू किया। सलवार की तैयार लंबाई है हमारी 35 इंच। 35.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे कली का। अब जितनी हमें कली की चौड़ाई रखनी है, जैसे हमारे गोड्डे थे 6 इंच के, 6 इंच के ही हमें पोंचे रखने हैं, तो जो 2 इंच हम चौड़ाई ले लेते हैं कली की इस तरह से। अब ऊपर जितना हमारा कपड़ा है वो हम नाप लेते हैं। ऊपर है हमारा 4.5 इंच का। इसी तरह से ये दूसरी तरफ हम निशान लगा लेंगे। हमें कली की पूरी लंबाई नापने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने ऊपर ये मतलब कली के ऊपर से कपड़ा नापा था, इसके अपोजिट साइड भी हम उतना ही कपड़ा नापते हैं। कपड़ा था हमारा ये 4.5 इंच। 4.5 इंच पर निशान लगा के हम कली की चौड़ाई नाप लेते हैं। कली की चौड़ाई नापेंगे हम 2 इंच। ये इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। पहले जो हमने ये कली की चौड़ाई का निशान लगाया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ से जितनी हमारी ये चौड़ाई हमने ली है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा कॉर्नर बन गया उसको हम इस तरह से रखेंगे इस तरीके से, और इसी तरह से हम दूसरी तरफ और इसको इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए ध्यान से हम इसको इस तरह से रख लेंगे। अब चाहे तो हम यहां पर निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से हम निशान लगा सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे
और ये जो डॉट लगाए हैं यहाँ पर एक सीधा करके गहरी लाइन बना देंगे, या जो हमने जिस पोजीशन में ये रखी है उसी में हम इसकी कटिंग कर दें। तरीके दोनों सेम हैं। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब इन कलियों को हम उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम कलियों को रख लेंगे। 10 इंच का लगाएंगे हम आसन का निशान। इस तरह से हम आसन का निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमारा कपड़ा निकला है आसन की तरफ से, इसे हम पोचे की पट्टी में यूज करेंगे, इसलिए इसको अलग रख लेते हैं। इससे हम गले वगैरह पे अगर डिजाइन बनाना चाहे तो हमारा बहुत अच्छा डिजाइन बनेगा सूट और सलवार की मैचिंग का। इसे हम अलग रख लेते हैं, इसे हम पट्टी में यूज करेंगे क्योंकि सूट हमें सिंपल बनाना है। इस तरह से हमारी ये कलियों की कटिंग हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताऊं, जो हमने ये कलियां निकाली हैं इसकी साइड में इस तरह से हम गोड्डे को रखेंगे। इस तरह से हम गोड्डे को रख लेंगे। एक इंच पौना इंच पर हम निशान लगाएंगे, एक इंच पर भी लगा सकते हैं और पौना इंच पर भी। पौना इंच पर ही परफेक्ट होता है, पौना इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। इस तरह से तिरछा और गोड्डे की हड़की सी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हम क्यों करेंगे? कटिंग हम इसलिए करेंगे कि हमारी पोंचे पे झोल ना आए और हमारी नीचे जो आगे से सलवार नीचे हो जाती है और पीछे से उठ जाती है, अगर हम ऐसे कटिंग करेंगे तो हमारी ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। इससे हमारी सलवार परफेक्ट बनेगी। तो ये हो गए हमारे गोड्डे, ये होगी हमारी कलियाँ और ये होगी बेल्ट। तो ये थी मैचिंग सूट सलवार की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।